आखिर क्या है धूमकेतु की अनोखी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। धूमकेतु जमे हुए गैस, पत्थर और धूल से बनी हुई कॉस्मिक गेंद है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। जब वे जमे हुए होते हैं तो उनका आकार एक छोटे से सूर्य जैसा होता है। परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के निकट आ जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं और गैस एवं धूल का पवन करते हैं, जिसके कारण विशालकाय चमकती हुई पिंड का निर्माण हो जाता है जो कभी कभी गैसों से भी बड़े आकार के होते हैं। धूमकेतुओं का नामकरण उनके खोजकर्ताओं या किसी अंतरिक्ष यान के आधार पर किया जा रहा है। ये पिंड फिर सूर्य से कई मिलियन सालों के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि सूर्य के कुइपलर बेल्ट में बिलियन की संख्या में धूमकेतु विराजमान है। नासा के अनुसार अभी तक 3526 धूमकेतु पहचाने जा चुके हैं। धूमकेतु को बर्फ का मिश्रण भी माना जाता है क्योंकि ये जमे हुए गैस और पानी से मिलकर बने हुए रहते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये गैस के गोले हैं जो ग्रह नहीं बन पाते। ये तभी अच्छे से दिखते हैं जब ये सूर्य के पास होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर समय अदृश्य रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर अपने विलक्षित परिक्रमा स्थिति के लिए जाने जाते हैं जो सिर्फ एक पल के लिए दिख जाते हैं और फिर सहस्राब्दी के लिए गायब हो जाते हैं। कुछ धूमकेतु जैसे कि हेली ही ऐसी है जो प्लूटो के परिक्रमा पथ में कुछ क्षण के लिए विराजमान रहते हैं। कोई कोई धूमकेतु तब भी दिखते हैं जब पृथ्वी उनके परिक्रमण कक्ष के निकट से गुजरती है। इनमें से कई नियमित समय पर दिखाई देते हैं, जैसे कि पर्सिड नाम का धूमकेतु हर साल 9 अगस्त से 13 के बीच दिखाई देता है। दूसरे खगोलीय पिंडों की खोज थोड़े लेट से हुई, किंतु धूमकेतु एक ऐसा पिंड है जिसके बारे में लोग प्राचीन काल से जानते हैं। चीन में इस बात का रिकॉर्ड अवस्थित है कि 240 BC पहले हेली नाम के धूमकेतु की उपस्थिति दर्ज की गई थी। दोबारा सन 1066 AD में इंग्लैंड में भी हेली धूमकेतु के बारे में रिकॉर्ड मिला। सन 1999 तक लगभग 890 धूमकेतु सूचीबद्ध किए जा चुके हैं और उनके परिक्रमा पथ को भी पहचाना जा चुका है। इनमें से 184 पीरियाडिक धूमकेतु हैं, यानी कि उनको परिक्रमा पूरा करने में 200 से कम वर्ष लगते हैं। बाकियों को कभी कभी परिक्रमा पूरे करने में कई सहस्त्र वर्ष लग जाते हैं। जब ये सूर्य के पास होते हैं तो इनके विभिन्न भाग दिखते हैं जो कि इस प्रकार है। न्यूक्लियस या ठोस अवस्था में होता है एवं स्थिर रहता है और बर्फ, गैस और धूल के मिश्रण से बना होता है। हाइड्रोजन के बादल ये व्यास के अनुसार मिलियन किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, किंतु कम घने होते हैं। धूल का समूह ये लगभग 10 मिलियन किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं और न्यूक्लियस से निकलते हुए गैस के धुएं से बनते हैं। कोमा ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मिश्रण के बने घने बादल के समूह होते हैं। आयन टेल ये सौर ऊर्जा के संपर्क में आने से निर्मित होते हैं जो प्लाज्मा और किरणों से भरे हुए होते हैं। कई धूमकेतुओं में आयन टेल बहुत ही मिलियन किलोमीटर तक लंबे और फैले हुए होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार धूमकेतु का आगमन अपशगुन लाने वाले माना जाता है। कुछ लोगों ने इसे गिरते तारे की संज्ञा भी दी है। अरस्तु ने अपनी प्रथम पुस्तक मेट्रियोलॉजी में धूमकेतु की चर्चा की थी। पहले के कई बुद्धिजीवियों ने इसे सौर मंडल के ग्रहों के रूप में मान्यता दी थी, परंतु अरस्तु ने इस धारणा को नकार दिया है क्योंकि ग्रह आकाश में एक निश्चित नक्षत्र में दिखाई देते हैं, जबकि धूमकेतु आसमान में कहीं भी देखे जा सकते हैं। अरस्तु के अनुसार धूमकेतुओं का जन्म पृथ्वी के बाहरी वातावरण में हुआ था। धूमकेतुओं की तरह उल्का, अरोरा, बोरोलियास और आकाशगंगा के लिए भी अरस्तु की यही मान्यता थी। अरस्तु के इस मत से कई तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने अहमियत जताई थी। सेनेका ने नेचुरल कन्वेंशन में इस बात पर असहमति व्यक्त की है। इनके अनुसार धूमकेतुओं पर बाहरी वातावरण या पवन का कोई असर नहीं होता है,
तब के मानव को अंतरिक्ष के बारे में बहुत कम ज्ञान था। कुछ प्रमुख धूमकेतु हैं हेली धूमकेतु, धूमकेतु सुमेकर लेवी और हेलवॉक धूमकेतु। वैज्ञानिक पद्धति के विकास के पहले धूमकेतुओं के नाम कई तरीकों से रखे जाते थे। 20वीं सदी के पहले धूमकेतुओं के नाम वर्ष के आधार पर रखे जाते थे। उसके बाद से आवर्ती धूमकेतुओं के नाम उनकी खोज करने वाले के नाम पर रखा जाता था, परंतु केवल एक बार दिखने वाले धूमकेतुओं के नाम आज भी जिस वर्ष पर दिखाई देते हैं उसी वर्ष के नाम पर रखा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत से धूमकेतुओं के नाम उसके खोजकर्ता पर से रखे जा रहे हैं और यह परंपरा आज भी जारी है। इसके नाम पहले के तीन खोजकर्ताओं पर रखे जाते हैं। कई धूमकेतुओं की खोज यांत्रिक साधनों से होती है, ऐसे धूमकेतुओं के नाम इस साधनों पर से रखे जाते हैं। बड़ी संख्या में धूमकेतुओं की खोजों ने नामकरण की प्रक्रिया को अव्यवहारिक बना दिया है। इस तरह की प्रणाली क्षुद्र ग्रह के लिए पहले से ही उपयोग की जा रही है। धूमकेतु की प्रकृति को दर्शाने के लिए उपसर्ग भी जोड़ा जाता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।